Let's get you news from Delhi, where senior leaders of the Aam Aadmi Party have decided that they are in principle ready to form the next government. That's right. Later today, Aam Aadmi Party leaders are expected to formally announce their plan for the week ahead. Well, this includes 280 public meetings across the city, four meetings in almost every constituency over the next 7 days. Sources in the party suggest that if the public attending these meetings back a decision to form the government, it would be hard for the Congress to pull out support. However, it's worth noting that the current term for the Delhi Assembly lapses tomorrow. That leaves just today for any government to take shape. After that, the state goes under president's rule. 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रशासनिक काम है और प्रशासनिक काम जब सरकार एक बार बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बार बार असेंबली या पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं होती है। शायद थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उस तरह की बात उठाई गई थी। दो मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर के हैं। एक के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो तो हमारे भी मैनिफेस्टो में है और हमने कहा है कि आप केंद्र सरकार से उस संबंध में जब प्रश्न उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। अगर आप दिल्ली के लोक आयुक्त के इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं और वो कोई नियम के विपरीत नहीं होगा, पार्लियामेंट के पास किए हुए किसी कानून के विपरीत नहीं होगा, तो हम आपका समर्थन करेंगे। इस चिट्ठी को लेकर हमको जनता के बीच भी जाना है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी रेस्पॉन्स आएगा हम जनता के बीच जाके चर्चा करेंगे। जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो सब अपने इलाके में बात करेंगे लोगों से और उसके बाद एक फैसला होगा।